दोस्तों, मैं रंजना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24 प्लस में। देश भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देश और हमारा समाज अधिक जागरूक है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और हक की लड़ाई अभी भी जारी है। इस संदर्भ में आज दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अपने क्षेत्र में कार्यरत हासिल की गई महिलाओं को राइजिंग इंडिया वुमेन अवार्ड 2022 से नवाजा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती और कांग्रेस के पूर्व सांसद महबल मिश्रा ने शिरकत की। जी, मेरा नाम एडवोकेट दीपाली गुप्ता है। मैं यूथ डिस्ट्रिक्ट में हूँ, शाहदरा जिला में, एंड वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं वहाँ पे। और आज मुझे यहाँ पे राजा ठाकुर जी हैं जो, उन्होंने बुलाया था और ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा। उन्होंने हमारा मेन टॉपिक ये था कि महिलाओं को जो पॉलिटिक्स में हैं उनको क्या मिलता है, मतलब उनके लिए एक जो आप बोलते हैं हम कि उनके लिए एक लेवल है वहाँ पे, वो पहुँच सकती हैं या नहीं पहुँच सकती, उनको वहाँ से निकाला तो नहीं जाता, उन पे कोई जुल्म या अत्याचार वगैरह तो नहीं होते, सब कुछ ऐसे करके उन्होंने पूछा था। पर मैं एक राजनीतिक औरत हूँ जिसे बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब 19वीं सदियों की बातें हैं कि आपको नेता लोग आगे नहीं बढ़ने देते या कुछ भी। आज की डेट में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स में आप देखिए, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ पे उन्होंने कैबिनेट में मिनिस्टर्स बनाए हैं, उन्होंने औरतों को ही सबसे ज़्यादा मौका दिया है। और मीनाक्षी लेखी जी हैं जो हमारे यहाँ पे सांसद भी हैं नई दिल्ली से, वो भी आप देखेंगे तो एक नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे ही करके स्मृति ईरानी जी हैं और बहुत सारे हमारे जितने भी महिला नेता हैं वो सारी ऐसे ही, हमारा जितना भी है बहुत, मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में हम किसी भी महिला को कहें कि वो पीछे हैं या नहीं। आज सारी महिलाएं एक जैसी हैं, सारे पुरुष इकट्ठे हैं, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं अपनी बातों को यहीं पे बस बोलना चाहूँगी कि बहुत सी महिलाएँ कहती है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। हाँ जी, आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला वीक है? नहीं है, मैंने, अगर आपने मेरे स्टेज पे इंटरव्यू सुना होगा वहाँ पे, तो मैंने यही बोला कि एक सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर महिला सोचेगी मैं कमज़ोर हूँ तो वो कमज़ोर है, अगर महिला सोचेगी नहीं मैं एक नारी सब पर भारी वाला सीन रहेगा तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी कि महिला सशक्तिकरण है या कुछ भी करने की ज़रूरत है। महिला खुद में पूरी एकदम कंप्लीट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो वो पत्थर भी हिला सकती है, पेड़ भी हिला सकती है, वो चाहे तो सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैम, अभी आपने स्टेज पे बोला था कि आपकी जो प्रेरणादायक हैं वो हैं सुषमा स्वराज जी, उस उनमें और आप में सिमिलर क्या है, क्योंकि कोई भी प्रेरणा देखिए तो उनमें सिमिलर होता जी है। उनकी सिमिलैरिटी, मैं उनसे इसलिए प्रेरित हूँ क्योंकि वो चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे हम ट्विटर हो या उनके ऑफिस में कोई जाए, कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, अगर आज वो जीवित नहीं है पर मैं उनकी बात सच में बोलना चाहूँगी कि आप उनको कहीं पे भी अगर मैसेज करेंगे ना, जितने भी जब वो जैसे बनी थी फॉरेन मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने बाहर का जितना भी वो फॉरेन का देखती थी, कोई भी बच्चा कहीं पे भी फंसा हो बाहर इंडिया से, कोई भी इंडियन बच्चा, पेशेंट, कोई भी हो, वो उनकी इतनी मदद करती थी। और ऐसे ही मेरी नेचर है, मैं भी यही चाहती हूँ कि एक, मैं ये नहीं चाहती कि हाँ मैं महिला हूँ या मैं वकील हूँ तो मुझे सीट मिलनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरीके से अपने लोगों की मदद कर सकूं, जितने भी मेरे देश के भाई बहन जो भी हैं उनकी जो मैं मदद कर सकती हूं वो मैं जरूर करूं। मैम, लास्ट आखिरी क्वेश्चन जी, सपोज दैट आपको टिकट मिल भी जाता है, आप जीत भी जाती हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा महिलाओं के लिए? सबसे पहला कार्य ये होगा, देखिए आज जो हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं उसके नाते आपको बोलूँगी, सबसे पहले हम शराब के ठेके बंद करा रहे हैं। और मैं भी यही, सबसे पहले मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मेरे वार्ड में जितने से जितने ठेके मैं बंद करा सकूँ, क्योंकि आज आपने देखा होगा सारी महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है, रात को वो निकल नहीं सकती कहीं पर भी, ठेके 3 बजे तक दारू शराब जो है सर्व होती है। और इसके अलावा जो भी है, मतलब ठेकों का जो मेन इशू मेरा रहेगा, मेरा मेन इशू ठेके का रहेगा। और दूसरा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, मैं यही कोशिश करूँगी कि जितने भी गरीब बच्चे हैं मेरे एरिया में, जो भी लोग हैं, मैं उनको शिक्षित करूँ, क्योंकि एक शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं भी पढ़ी लिखी वकील हूँ, मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया है, और मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की सोसाइटी के लिए।